हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा लर्निंग। हाइड्रोलिक रैम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है जिसमें कहा जाता है कि वाटर पंप्स इटसेल्फ। ठीक है, वाटर अपने आप को ही पंप कर लेता है बाय द सर्टेन एडजस्टमेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से वाटर हैमर का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। देखिए, बहुत सिंपल है। अगर एक पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, और अचानक से आपने बंद कर दिया उस पाइप को, तो क्या होगा? वहाँ पे वाटर हैमर प्रेशर जनरेट होगा, एक बहुत ही बड़ा प्रेशर जनरेट होगा। वो प्रेशर को अगर आपने चैनलाइज कर दिया, उस पाइप में एक दूसरा पाइप लगा दिया, तो उस प्रेशर के हेल्प से जो पानी है वो उस पाइप में कहीं और ऊपर चला जाएगा। दिस इज द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक रैम। क्या होता है कि ये एक रिजर्वायर है, ठीक है, रिजर्वायर से वाटर आ रहा है इस पाइप के थ्रू। यहाँ पर एक वेस्ट वाल्व लगा हुआ है। वेस्ट वाल्व का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर कम वेलोसिटी में पानी आ रही है तो वो उसको फ्लो होने देगा। ठीक है, ये इस टाइप का है। ठीक है, ये क्लोजिंग है। अगर पानी कम वेलोसिटी में आ रही है तो ये इसको फ्लो होने देगा। लेकिन अगर पानी बहुत तेजी से आ रहा है, ठीक है, तो ये वाल्व बंद हो जाएगा। ठीक है, ये वाल्व जो है ये मूव करेगा और ये वाल्व आप देखो तो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाल्व बंद हो गया तो ये अचानक से फ्लो ऑफ वाटर रुक गया। ये फ्लो ऑफ वाटर यहाँ पर रुक गया। मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ठीक है, ये फ्लो ऑफ वाटर यहाँ पर रुक गया तो क्या होगा कि यहाँ पर इन्होंने एक और पाइप लगा रखा है। जैसे ही फ्लो ऑफ वाटर वहाँ रुका तो यहाँ पर एक डिलीवरी वाल्व है। सी डिलीवरी वाल्व डी। ठीक है, ये डिलीवरी वाल्व खुल जाएगा और यहाँ पर एक पाइप लगा रखा है जिससे ये ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, देयर इज नो लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्योंकि जो डिस्चार्ज यहाँ आ रहा था वो सेम डिस्चार्ज यहाँ नहीं पहुँच जा रहा। राइट, एक कैपिटल क्यू डिस्चार्ज आ रहा था यहाँ से और यहाँ पे एक स्मॉल क्यू डिस्चार्ज पहुँच रहा है। क्लियर? तो जब आप MgH इक्वेट करोगे तो देर इज़ नो एडिशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये कोई बहुत जादू नहीं है। एक ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज फ्लो कर रहा था, हमने पाइप रोक दिया और एक छोटा अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज को ऊपर पहुँचा दिया। ठीक है, तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक रैम, जहाँ पे वाटर हैमर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। मैं फिर से एक बार क्लियर करता हूँ कि वाटर जो है आ रहा था पाइप से, हमने यहाँ पर लगा रखा है वेस्ट वाल्व। ठीक है, वेस्ट वाल्व एक स्प्रिंग ड्रिवन सिस्टम होता है जिसमें जैसे ही इनफ डिस्चार्ज आ रहा है तो वो वाल्व बंद हो जाता है। वाल्व बंद हो गया तो वाटर हैमर प्रेशर क्रिएट हो जाता है और हमने एक डिलीवरी वाल्व लगा रखा है यहाँ। ठीक है, ठीक है, दिस इज डिलीवरी वाल्व। तो अब ये पानी अब यहाँ पे तो बंद हो गया, तो ये कहाँ जाएगा? पानी वाटर हैमर से ऊपर आएगा और इसको ऊपर एक रास्ता दे रखा है जिससे ये आपका ऊपर रिजर्वायर में पहुंच जाएगा। तो वाटर इज ब्रॉट फ्रॉम अ स्मॉल हेड एंड अलाउड टू गो थ्रू वेस्ट वाल्व। ठीक है, स्प्रिंग ऑफ वेस्ट वाल्व इज सो डिजाइंड दैट बिफोर फुल डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ वाटर क्लोजेस द वेस्ट वाल्व। ठीक है, पूरा डिस्चार्ज आने से पहले वेस्ट वाल्व बंद हो जाता है। तो सडन क्लोजर ऑफ वेस्ट वाल्व क्रिएट्स हाई प्रेशर व्हिच फोर्स ओपन्स द डिलीवरी वाल्व। ठीक है, एंड वाटर इज रेज्ड टू अ हाई हेड टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म डिस्चार्ज। एयर वेसल इज फिटेड ऑन द डिलीवरी साइड। अगेन, एयर वेसल यूज किया जाता है यूनिफॉर्म डिस्चार्ज के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है। नाउ इसकी कुछ डेरिवेशंस देख लेते हैं। ये आपको रैंकाइन एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। मैंने बोला था कि क्यू डिस्चार्ज आ रहा है और यहाँ पे क्यू डिस्चार्ज पहुँच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस क्यू का पार्ट था, स्मॉल क्यू, यहाँ पे उसका हेड कितना था? एच। और यहाँ पर उसका हेड कितना है? कैपिटल एच। तो उस क्यू डिस्चार्ज की इंक्रीज इन एनर्जी कितनी हो गई? क्यू इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। क्योंकि क्यू इंटू स्मॉल एच तो वो लेके ही आया था, लेकिन फाइनली उसकी एनर्जी हो गई क्यू इंटू कैपिटल एच। तो चेंज इन एनर्जी हो गई क्यू इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। अच्छा, और टोटल एनर्जी यहाँ से कितना निकला था? कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल एच, है ना? कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल एच।
एक्चुअली ये MGH होना चाहिए, बट चूंकि जी वाला टर्म भी कट जाएगा, रो वाला टर्म भी कट जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट डिस्चार्ज इन टू हेड मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो दिस इज रैंका इनफिशियंसी. ठीक है, क्यू इन टू एच माइनस एच अपॉन क्यू एच, इट्स वेरी सिंपल. अच्छा, एक और इफिशियंसी का टर्म आता है एनर्जी के टर्म्स में. ठीक है, कि टोटल जो एनर्जी सप्लाई कर रहे थे हम लोग इस डिवाइस को जो हमने टोटल एनर्जी सप्लाई किया वो था कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू इंटू जी एच. ठीक है, यहाँ पर ये जो कैपिटल क्यू है ये वो क्यू है जो स्मॉल क्यू के अलावा है. बेसिकली पिछले डेरिवेशन का क्यू माइनस क्यू, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू है, उसको हम लोग यहाँ पे कैपिटल क्यू लिख रहे हैं. ठीक है, और एनर्जी डिलीवर्ड क्या हो गया, स्मॉल क्यू इंटू जी इंटू एच. ठीक है, इसको क्यू डैश लिख देते हैं. ठीक है, क्यू डैश प्लस क्यू इंटू जी एच. तो जो इफिशियंसी आएगा वो आएगा क्यू इंटू एच अपॉन क्यू डैश प्लस क्यू इंटू एच. क्लियर, क्योंकि ये एनर्जी ऊपर पहुंची और ये एनर्जी लेके आ रहा था. इसे डी ऑब्यूशन इफिशियंसी बोलते हैं. जनरली एक हाइड्रोलिक रैम की इफिशियंसी जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 70-90% होती है. ठीक है, 75-90% इफिशियंसी होती है हाइड्रोलिक रैम की. तो हाइड्रोलिक रैम का कॉन्सेप्ट समझ गए हम लोग.